तो यशवी ने कहा मुझे लोकेशन चाहिए, तो कहे कि सर ठीक है मैं तो इलाहाबाद में ही। जिस तरीके से मध्य प्रदेश में गिरफ्तारी होती है तो क्या लगता है मध्य प्रदेश में जो गिरफ्तारी हुई और साजिश के तहत हुई, लोकेशन पहले से ही पुलिस के पास केस था, फोटो गाड़ी की पहले से ही आ चुकी थी। और हम ये जानते हैं कि जो लोग ये कर रहे हैं वो हमारे ही घर के लोग, उनके स्टेटमेंट के अलावा दो चार MLA ऐसे हैं जो पूर्व MLA है, जो आज प्रदेश सरकार में MLA है, या श्री भदोही इसमें बराबर के साझेदार हैं। मैं यही निवेदन करूंगी मीडिया पत्रकार के द्वारा कि केवल उनका कॉल डिटेल फोन का निकाल लिया जाए, ज्यादा नहीं 4 से 5 दिन का, खुद ही सच्चाई सामने आ जाएगी, चाहे इंस्पेक्टर गोपीगंज हो चाहे SP आपके इलाहाबाद हो, केवल कॉल डिटेल की मैं मांग करती हूँ। आप पूरा सर परिवार का विधायक का सर्विलांस फोन उन्होंने लगवाया, अपना फोन सर्विलांस क्यों नहीं लगाया? मैं चाहती हूँ मनीष कृष्णमोहन तिवारी उनके रिश्तेदार मनीष का साला जिसका नाम संतोष है, मैं ये मांग करती हूँ सरकार से आपके द्वारा से इन लकी केवल कॉल डिटेल मुझे उपलब्ध करा दी जाए। और मेरा ये निवेदन भी है, यह स्टेटमेंट देने से मैं भी नहीं बचूंगी, मेरे परिवार की मुझे आपके द्वारा यह बात मुख्यमंत्री जी से तक पहुँचाइए कि मुझे सुरक्षा दिया जाए, क्योंकि यह स्टेटमेंट देने के बाद मैं अकेली ही हूँ घर में, कुछ भी हो सकता है, मेरा या मेरा परिवार मेरे पिताजी की तथा कुछ भी होती है मौत मौत हत्या कर दी जाती है, या मेरे बच्चों की या मेरे परिवार, इसकी केवल कुछ विधायक जो शासन सत्ता के हैं, जो पूर्व मंत्री बसपा में रहे हैं, कृष्णमोहन तिवारी मनीष मिश्र और जो कोई नैनी में भी बंद है उनके करीबी उनके साले मानते हैं, मैं नाम नहीं लूंगी, उन्हीं की जिम्मेदारी होगी। और मैं आपके द्वारा एक बात और आज कहना चाहती हूँ, आप प्रेस मीडिया बहुत ताकतवर चीज है, तो मैं निवेदन केवल इतना ही करूंगी कि आप लोग हमेशा जो पुलिस कहती है 73 मुकदमे हैं अपराधी सिद्ध करती है, मैं यही निवेदन करूंगी कि 60 मुकदमे कोर्ट के द्वारा लगभग छोड़ दिए गए हैं या कोर्ट की अवमानना की जा रही है, 2 मुकदमे अभी लिखा गए जिससे 13 मुकदमे एक्टिव हैं, उसमें से जब चुनाव कोई भी व्यक्ति लड़ता है अपना नॉर्मल भी चाहे क्षेत्र पंचायत हो चाहे जिला पंचायत चाहे MLA MP का हो तो 10-15 मुकदमे जो सीखी सरकार रहती है तोहफे में दे दिया जाता है, 144 धारा को यही केसेस चल रहे हैं और एक माननीय मंत्री जी का जो ट्रायल चल रहा है और मेरे पिताजी के ऊपर कोई केस नहीं है, लेकिन हो सकता है अगर रिमांड देते हैं जज साहब तो हमें नहीं लगता कि कोई भी असलहावर मेरे तो देखा नहीं है केस, वो लोग कुछ प्लांट कर देंगे या वेरिफिकेशन हम तो करेंगे कि यहाँ हमारे बड़े पापा बेहोश हो गए हैं, उनके बेटे हैं मनीष मिश्रा सगे जो कि कभी खरीदे होंगे वो देखे होंगे, उनसे अगर आप लोग पूछेंगे तो सच्चाई सामने आ जाएगा, मैंने कभी देखा नहीं, मैंने कभी नहीं देखा अपने जीवन में, मैं अभी मेरे पिताजी को चक्कर आ गया वो बेहोश हो गए। किसी भी तरीके का इंक्वायरी या रिमांड या ट्रायल इलाहाबाद MLA MP कोर्ट में होगा यहाँ नहीं होगा, आज हमने वही बात जब रिमांड लेने की बात आई तो हमने सेम ऑर्डर पुट अप किया कि साहब यहाँ तो जुरिडिक्शन है ही नहीं, आप कैसे रिमांड ले सकते हैं, उस पर सरकारी वकील ने आर्ग्यू किया कि नहीं माय लॉर्ड आपको ही पूरा हक है, जो भी था व्हाट एवर सेड एंड डन साहब ने यहाँ पे जुडिशियल कस्टडी यहाँ की दे दी है, ये जानते हुए भी कि ज्ञानपुर में मेरे पिता की जान को कितना खतरा है, वो कभी भी मर सकते हैं, कभी भी उनके साथ कुछ भी हो सकता है, यही अभी ऑर्डर है, फिलहाल कंप्लीट ऑर्डर अभी आया नहीं है। ज्ञानपुर में किससे डर है, क्या है, कौन कौन लगती है? ज्ञानपुर से सबसे डर है, आप सबको हमसे ज्यादा पता है, अब मैं आपको क्या बताऊं, कितना खुल के मैं बताऊंगी भैया, बाद में समझा लीजिए, ठीक है ना, मतलब साजिश यहाँ तक है, सुनने में आ रही है कि SP साहब और मनीष मिल के कोई भी वेपन कितना भी वो खतरनाक है वो भी प्लांट कर सकते हैं। SP भदोही भाई मिस्टर राम बदन सिंह उनकी डेली बात होती है मेरे कजन से और उनको ये नहीं पता है, स्पेशली मैं SP साहब को ये बताना चाहूंगी कि आपके संग भी गलत तलाशी हो रही है, आपका हर कॉल उसने रिकॉर्ड करके रखा है ताकि आप कभी भी उसके खिलाफ एक्शन लेंगे तो वो आपको भी ब्लैकमेल करेगा, ये बात मैं SP साहब को अगर होते तो मैं उनको बता देती कि जो आदमी 3 दिन के थे जिस आदमी ने उसको पाला पोसा वो उसका नहीं हुआ तो वो आपका क्या होगा, बता दीजिए जरा वो आपका क्या होगा। अब आगे के लिए आप क्या करेंगे? आगे देखिए हम बस यही चाहते हैं प्रशासन से भी न्यायालय से भी कि भाई ये बिल्कुल छोटा सा, आप देखिए मैं शुरू से बता दूं ये बहुत छोटा सा प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है जो कि हमारा पारिवारिक विवाद था और जो कि अगर आप बहुत सारे कॉल्स रिकॉर्ड करके रखे गए हैं कि वो पूरी कोशिश में थे कि सुलह कर लें, लेकिन इसका
एडवांटेज मनीष ने और सारे यहाँ के जितने पॉलिटिशियंस है उन्होंने ब्रेन वॉश किया था सुमोहन तिवारी को। मैं आपको फिर से कह रही हूँ, वो आदमी सीधा साधा है। जब मेरा भाई देहरादून बोर्डिंग में पढ़ता था तो हम उसको इतना विश्वास करते थे कि वही ट्रेन से ले आते थे, ले जाते थे कृष्ण मोहन तिवारी, वो सीधा साधे आदमी है। लेकिन वो पूरी तरह बहकाया गया है, उनको ब्रेन वॉश किया गया है। आप बता रहे कोई लेन देन का मामला नहीं है, कोई भी कुछ भी नहीं है। कृष्ण मोहन तिवारी को बिल्कुल पता है कि विधायक विजय मिश्रा ने आज तक जब अपनी जनता का एक अन्य जमीन नहीं लिया तो कोई अपने रिश्तेदार का कभी नहीं लेगा। और ना ही विधायक विजय मिश्रा को कुछ चाहिए, उनकी 5 बेटियां हैं, सबके शादी हो गई है, उनका एक बेटा है, कैपेबल है कि वो पैसा कमा सकता है। और किस लिए पैसा चाहिए? तबियत उनकी यही सब सोच के काफी खराब हो गई है। आप सोचिए कितना आदमी का दिल टूटेगा जिसको 3 दिन का बच्चे को जो आप पाले और वही आपके मरने की साजिश करने लगे, तो कोई भी आदमी टूट जाएगा भाई साहब, चाहे वो आप हो, चाहे हम हो, चाहे वो विधायक विजय मिश्रा हो। तो मेरा सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज यही है कि आप प्लीज मनीष मिश्रा का सारा कॉल निकलवाइए, और उनका ही नहीं उनके सारे रिश्तेदार का निकलवाइए, और जितना जल्दी हो के एक्शन लीजिए कि भाई एसपी हैं, पावर है उनके पास कि वो जाके उसको इरेज ना करवा दे, फॉर्मेट ना करवा दे, ये ना करवा दे। और ये फैक्ट बात है, हमारे पास विटनेस है, हमारे पास सब है कि एसपी की डेली बेसिस पे मनीष मिश्रा से बात होती थी, डेली बेसिस पे वो, और उन्होंने कॉल रिकॉर्ड करके रखा हुआ है, रिकॉर्ड करके रखा हुआ है। योगी सरकार के मुताबिक क्या कहेंगे? सरकार से भाई, सरकार से हम इतना ही कर सकते हैं कि सरकार सहित से कि सरकार एक आदमी इंडिविजुअल, आप खुद ही सोचिए कि इतने छोटे प्रॉपर्टी विवाद पे इतना फास्ट पुलिस ने एक्शन लिया। अरे आम आदमी मरते रहती है, आम जनता की मेरा FIR लिखी है, कोई लिखता है क्या? क्या इसमें सरकार का हाथ है? हम खुद रेट फाइल करते हैं कि अब भाई कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है, मेम साहब कोई FIR नहीं लिखा जा रहा है, अरे FIR नहीं लिखा जाता, हम खुद रेट करते हैं। पॉलिटिशियन पॉलिटिशियन जितने भी आस पास के जगह है जिनको जिला पंचायत, देखिए कम ये इलेक्शन आने वाला है, इसमें नवम्बर दिसम्बर में प्रधानी से लेके जिला पंचायती से लेके सब, और जनता की जो बेशुमार प्यार है अभी, बस उसको पूरा तरीके से ये हटाना, इसमें हर आदमी का फायदा। अभी कहाँ रहेंगे अभी कहाँ रहेंगे? अब अभी ज्ञानपुरों को ले जाया जा रहा है जो कि बिल्कुल उनके लिए सेफ नहीं है। मैंने पूछा मजिस्ट्रेट साहब से कि कुछ उनको हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, साहब ने उस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। तो अब देखिए रीमा जी, कोर्ट में क्या फैसला हुआ है?